हार्दिक भाई आपका स्वागत करता हूँ आपके आज के एकदम नए लेक्चर में। और ये नया लेक्चर जो है वो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड, जहां पर आपने अब तक पिछले लेक्चर में देख लिया था परावर्तन और दर्पण से रिलेटेड सारी चीजें कि दर्पण क्या होता है, दर्पण से बनने वाले इमेज मतलब कैसे कैसे होंगे, उसके फॉर्मूले, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हमने देखे थे। आज हम लोग परावर्तन के बाद बात करने वाले अपवर्तन के बारे में, क्या होता है अपवर्तन। तो पहले अपवर्तन हम क्यों शुरू करें, ये सबसे बड़ा लॉजिक हमारे शहर में आता है। तो पहले थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि कहां कहां अपवर्तन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं खड़े होते हो और ग्लास की स्लैब लगी हुई है, ग्लास का एक बहुत मोटा सा गुटका जमीन पर रखा हुआ है, और उस जमीन के नीचे अगर आपने देखा अगर कोई पेपर वगैरह रखी हुई है तो वो थोड़ा आपको ऊपर की ओर दिखाई देती है। ये चीजें आपको इसलिए ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं, है वो वहीं पर लेकिन आपको वो थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, इसका रीजन है अपवर्तन। केवल इतना ही नहीं, अगर आपने कभी पानी से भरी बाल्टी में अपनी हाथ को ऐसे डुबो करके या पेन को इस तरीके से डुबो करके देखा हो तो वो आपको टेढ़ी दिखाई देगी, ये भी आपके प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ही देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली अपवर्तन का मतलब है कि जो आपके इमेज को थोड़ा पहले से अलग स्थिति में दिखाई देने लगती है या दिखाई देती है दूसरे माध्यम में, तो ये सब अपवर्तन के वजह से होता है। तो पहले ये तो चीजें हमने इवेंट देखा, बहुत सारे ऐसे इवेंट है जो आगे आने वाली चीजों में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली अब हम ये समझेंगे कि अपवर्तन का बेसिक सा फिनोमिना होता क्या है, मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली अपवर्तन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, अब एक माध्यम का क्या है, जैसे ये हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है ना, वातावरण, इसे हम लोग कहते हैं माध्यम। ये गैसियस मीडियम है, इस गैसियस मीडियम से कोई लाइट अगर चल करके किसी ऐसे मीडियम में एंटर करे जो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो या फिर ऐसा ही गैसियस मीडियम हो लेकिन उसमें गैसों की मात्रा इस माध्यम जैसा ना हो, दूसरा हो, तो ऐसे केस में जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो अपनी मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। विचलन का मतलब या तो ये अंदर आ जाए या तो ये थोड़ा बाहर निकल जाए, मतलब अंदर और बाहर का मतलब अभी हम समझेंगे, मतलब वास्तविक पथ को फॉलो ना करके या तो ये अपने मार्ग से थोड़ा ऊपर की ओर या तो अपने मार्ग से थोड़ा नीचे की ओर दब जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे क्या परिभाषा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ आई, अब बात थोड़ा समझ में लाने के लिए माध्यम को समझते हैं। बेसिकली मैं बता दूं बच्चों कि जब हम बात करते हैं माध्यम की तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा माध्यम है और ये हो सकता है आपका कोई ठोस माध्यम, ओके,
और ये प्रकाश की किरण चल करके आई और ये है इसका वास्तविक पथ, इसको जाना था कहाँ, इधर, ओके। लेकिन ये यहाँ नहीं जा पाएगी क्योंकि ये दूसरा माध्यम है। दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के बहुत सारे गुणों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से प्रकाश अपने पथ का अनुसरण नहीं कर पाएगी, इसकी चाल भी बदल जाती है। तो ये है एक काल्पनिक रेखा जो कि आपतन बिंदु से ऊर्ध्वाधर मैंने दोनों माध्यमों में खींच दी है। अब ये बेसिकली कहलाता है अभिलंब। अभिलंब के बारे में अभी हम और भी बात करेंगे और पहले कर भी चुके हैं। वैसे अभिलंब के बारे में मैं बता दूं कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर गिरती है तो वहां से एक काल्पनिक रेखा खींच जाती है जो कि दोनों माध्यमों से होकर के सीधी होकर गुजर रही है, तो ऐसी काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आगे जानी चाहिए थी लेकिन अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई, मतलब वहां न जाकर के अपने मार्ग से कुछ बदल गई। ऐसा ही केस सेम देखने को मिल सकता है कब, जब प्रकाश की किरण ऐसे ये किसी सॉलिड मीडियम या फिर किसी दूसरे मीडियम से चल करके ऐसे मीडियम में वापस जा रही है। तो देखिए ये लाइट ऐसे चल करके गई, ये कोई मीडियम है, और प्रकाश की किरण ऐसे जा करके अपने मार्ग से फिर भटक गई। ये जानते हैं ना क्या है, ये वही अभिलंब जो कि आपतन बिंदु से खींचा है, क्योंकि यहाँ पर गिरा था लाइट इसलिए इसे आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो किरण जा रही है इस किरण को हम कह सकते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित मतलब भटक गई अपने मार्ग से, और इस किरण को हम कहते हैं आपतित। आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे, और ये आपका नॉर्मल है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो अपने मार्ग से कोई भटक जाती है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बेसिकली मैं अगर माध्यम की बात करूं, माध्यम तो माध्यम को हमने दो कैटेगरी में रखा हुआ है, ओके। माध्यम जो है दो वर्गों में रखा जाता है, ठीक है, ये अलग से आप रखिएगा, इसको आप नोट लिख करके लिख सकते हैं। नोट में माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों सघन मीडियम जिसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर, और दूसरा है आपका विरल मीडियम मतलब विरल माध्यम, और विरल को हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम। अब डेंसर क्या है, डेंसर को थोड़ा और क्लियर करते हैं। डेंसर में जिसमें मॉलिक्यूल्स माध्यम के जो कण हैं वो पास पास होते हैं, ऐसे माध्यमों को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर कहते हैं। वहीं अगर मैं विरल के बारे में बात करूं जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, ऐसे माध्यमों को हम विरल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कांच के बारे में, कांच के मॉलिक्यूल्स काफी पास होंगे इसीलिए वो सॉलिड है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर है इसीलिए वो लिक्विड है। तो अगर सॉलिड और लिक्विड मतलब जल के बारे में बात करें, कांच और जल के बारे में, तो कांच आपका सघन होगा, वही जल आपका विरल होगा, रेयरर होगा। अगर मैं बात करूं जल और एयर के बीच में, जल के अणु कुछ पास पास जरूर होते हैं लेकिन एयर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से जल और एयर के बीच में बात करने पर जल आपका सघन होगा, एयर वायु आपका क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो कहानी क्लियर हो रही है ना कि यहाँ पर विरल माध्यम और सघन माध्यम को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम में जब जल और वायु के बारे में बात होगी तो जल सघन और वायु विरल, और अगर मैं बात करूंगा सॉलिड और लिक्विड के बारे में तो सॉलिड आपका सघन और विरल आपका लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया माध्यम। माध्यम इसमें क्या है, मॉलिक्यूल पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कांच के बारे में बात करूं तो कांच एक सघन में आता है, और जल, जल या द्रव, द्रव आपका जो है वो किसमें आएगा, विरल में आएगा। बात समझ आ रही, अगर द्रव की और किसी और से तुलना करते तो वो आपका डिपेंड करता है कि कैसा माध्यम है, वायु होगा तो वो विरल होगा, ये सघन हो जाता है, ठीक। ये बातें केवल ध्यान में रखने वाली है इसलिए इसको आप लिखें, चाहे अलग से नोट बना करके लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बेसिकली ये समझने के लिए था। अब मुझे अगर लिखना होगा तो यहां पर स्टार बना के लिखेंगे कि जब प्रकाश, ये कौन सा माध्यम है, मान लीजिए ये वायु से होकर के जा रहा है तो, और ये कहां जा रहा है, ठोस में जा रहा है, कांच में जा रहा है, तो इसका मतलब तो तय हुआ कि ये किसमें से जा रहा है, विरल से कहां, सघन। जब प्रकाश विरल माध्यम से
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब के अंदर की ओर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल जो है वो घट जाती है, इसीलिए प्रकाश की चाल घटने की वजह से ये थोड़ा झुक जाता है किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। तो प्रवेश करता है तब प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात समझिएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही उल्टा कर सकते हैं हम कि जब ये लाइट सघन से विरल में जाएगी, तो जब ये सघन से विरल में जाने पर यह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। बात क्लियर हो रही है? तो लाइट नॉर्मल से दूर हटती। ये कहानी हो गई प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का जब आपने अपवर्तन देख लिया है, तो इसके कुछ नियम भी होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के सबसे पहले समझा स्नेल ने और बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, मतलब कि किसी सघन माध्यम से या विरल माध्यम से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से तो झुकती है। हर झुकने की एक कहानी होती है। यहां पर इसको कहते हैं नॉर्मल, जो कि अभिलंब है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण हो गया बच्चों, ये हो गया। और ये जहां जा रही है, इससे हम लोग फिलहाल के लिए दूसरा माध्यम या अपवर्तित किरण कहेंगे। ये अपवर्तित किरण है, ओके। और जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे गिरती है, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी, जिसे आपतन कोण और यहाँ पर अपवर्तन कोण आर का नाम दिया जा सकता है। ये है आपका अपवर्तक पृष्ठ, जो एक माध्यम को दूसरे माध्यम से क्या करता है, अलग करता है। ये है कोई माध्यम जिसका नाम है वायु, और ये है कोई माध्यम जिसका नाम है कांच, मतलब कि आपका सघन माध्यम। जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में गई है, तो विचलन हुआ है। तो प्रकाश के अपवर्तन की अवस्था में निम्नलिखित दो नियम कथित है या नियम होते हैं। दो नियम होते हैं, इसके दो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अंदर में आते हैं। पहला याद रखना है कि साइन आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे साइन आर की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब आपतन कोण की ज्ञात, आपतन कोण साइन जानते हैं, साइन एस आई एन ई जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं। आपतन कोण मतलब आई की ज्ञात, ज्ञात मतलब साइन होता है, साइन फंक्शन है, ठीक है। साइन प्रकाश के अपवर्तन कोण की जाके अनु क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि साइन आई इज प्रपोर्शनल टू साइन आर, ओके। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसे हम लोग कहते हैं एन। एन इस वजह से हुआ है, ये है वो फैक्टर जिसके वजह से लाइट डिस्ट्रैक्ट हुई है, मतलब विचलित हुई है। साइन आर यहां से आप लिख सकते हैं साइन आई बाई
साइन आर इज इक्वल टू एन, ये एन है जहां जहां एन माध्यम, माध्यम कौन सा माध्यम जिसमें वो गई है, माध्यम का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है मतलब प्रकाश तो अपवर्तित हुई है लेकिन किस रेट से हुई है, ज्यादा हुई है, दो गुनी, तीन गुनी, कितनी हुई है, तो ये डिसाइड करता है ये माध्यम। तो इस माध्यम का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसे हम कहेंगे माध्यम का अपवर्तनांक। ये एक वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते क्या है, इसे वायु के सापेक्ष, क्योंकि वायु से गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखने वाली बात ये थी, ओके, इसे वायु के सापेक्ष, क्योंकि वायु से गई है कांच में, इसीलिए कांच से जाती है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है। यह मतलब ये पूरा फैक्टर, यह स्नेल का नियम कहलाता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण या आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक है साइन आई बाई साइन आर बराबर एन इक्वल टू एन, और दूसरा है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल, ये समतल में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहानी हो गई आपके किसकी, आपके अपवर्तन के नियम की। तो इसे समतल या तल दोनों कह सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यहां तक आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है समाप्त, इसको कर लेंगे आप कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम से किस प्रकार निर्भर करता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।